हेलो भाई साहब, सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपका अपने चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। इस वीडियो में आप देख रहे हैं लुक्सेमबर्ग वर्सेस स्विट्जरलैंड के बीच जो T20 सीरीज खेला जाने वाला है, वहाँ पर दो मैच होगा। यहाँ पर आप फर्स्ट मैच का प्रीव्यू देख रहे हैं, तो प्रीव्यू दिखाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो, आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर जाके टारगेट विन फैंटेसी लिख के सर्च कीजिए और जो 1.2K प्लस सब्सक्राइब वाला चैनल आपको दिखाई देगा वो चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ में अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो देर किस बात की, अभी की अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक में क्लिक करके। अभी मैच की बात करें, देखिए कल दोपहर 2 बजे ये मैच खेला जाने वाला है इंडियन टाइम के अनुसार। ग्राउंड रहेगा यहाँ पर पाइपियर ओरमार क्रिकेट ग्राउंड ओल्डर डेंक लुक्सेमबर्ग, और ये मैच होगा। यहाँ पर पिच रूट की बात करें, न्यू एंड फ्रेश पिच रहेगा, साथ में यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों को यहाँ पर हेल्प मिल सकता है। देखिए हेड टू हेड स्टैट्स तो कोई नहीं है। लास्ट 5 मैचेस की बात करें, लुक्सेमबर्ग ने जो 5 मैच खेला लास्ट में 4 मैच जीते, स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर 4 मैच खेल के 3 मैच जीते। इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर की बात करें 142 तक रहता है, और लास्ट 5 मैचेस की यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। एवरेज टोटल रहा है 142 और एवरेज फर्स्ट का स्कोर रहा है 164। बैटिंग फर्स्ट के यहाँ पर टॉस होने के बाद बैटिंग फर्स्ट करते हैं 100% और टीम बैटिंग फर्स्ट करके जीते हैं 80%। वेन्यू रिकॉर्ड्स की देखिए, अभी तक तो एक भी मैच नहीं खेला गया है इस सीजन का, मतलब ये सीरीज का, तो इसलिए ये रिकॉर्ड सबको अभी नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट मैच पर मिल जाएंगे। देखिए आज की मैच चोटी की बात करते हैं, दोनों टीम के पास सेम तरीके का स्ट्रेंथ है, तो इसलिए दोनों टीम का यहाँ पर विनिंग चांसेस 50% करके है। अभी हम दोनों टीम के प्रॉब्लम प्लेइंग से विथ बैटिंग वाला साथ में यहाँ पर प्लेयर डिटेल्स देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर अच्छे फॉर्म पर है, रिसेंट डेज में जो मैचेस खेला है वहाँ पर कैसे कैसे रन स्कोर किया, कैसे कैसे विकेट निकाला, हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले लुक्सेमबर्ग की तरफ से बात करते हैं, प्रॉब्लम प्लेइंग से क्या रहने वाला है। देखिए टिमोथी बर्कर यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ओपनिंग कर सकते हैं अमित हलवावी के साथ, ये भी दाएं हाथ के बल्लेबाज है। नंबर 3 पर आ सकते हैं गिरीश वेंकटेश्वरन, दाएं हाथ के बल्लेबाज, साथ में राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। नंबर 4 पर मोहित दीक्षित, दाएं हाथ के बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। जस्ट मेस अपने टीम के लिए कैप्टनसी करेंगे, विकेट कीपरिंग भी करेंगे ये, साथ में दाएं हाथ के बल्लेबाजी करेंगे। विक्रम विज की बात करें, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। नंबर 7 पर आएंगे आतिफ कमल, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है। अमित दिंगड़ा राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। नंबर 9 पर आएंगे अंकुश नंदा, राइट हैंड बैट्समैन, साथ में मीडियम पेस बॉलिंग कर लेते हैं। नंबर 10 पर हरपाल सिंह, राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। समीक भट्ट राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, नंबर 11 पर आ जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा स्टैट्स देख लेंगे। देखिए बर्कर जो है 10, 43, 78, 36 और 16 रन है लास्ट 5 मैच में। अमित हलवा भी लास्ट 3 मैच में 21, 4, 0। गिरीश वेंकटेश्वरन 11, 12, 59, 15 और 0 रन बनाया। मोहित दीक्षित की बात करें, 7, 7, 2, 1 और 0 विकेट 2 विकेट निकाला लास्ट जो मैच खेला इन्होंने। जस्ट मैच की बात करते हैं, 9, 43, 50, 0, 42, तो एक बहुत ही अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, साथ में यहाँ पर कैप्टनसी भी कर रहा है तो थोड़ा बहुत अच्छा कर सकता है। विक्रम बीच की बात करें, 5, 26, 31, 1, 29, साथ में यहाँ पर 2, 3, 4 और 3 विकेट निकाला लास्ट 4 मैच में, यहाँ पर 12 विकेट निकाल लिया। आतिफ कमल की बात करते हैं, नंबर 7 पर बैटिंग करने आएंगे, साथ में यहाँ पर देखिए 1, 1, 3, 0, 0 विकेट निकाला। अमित दिंगड़ा 0, 1, 1, 0 और 1 विकेट निकाला। अंकुश नंदा की बात करते हैं, 1, 2, 1, 0, 3 विकेट निकाला। हरपाल सिंह 1, 0, 1, 0, 2 विकेट निकाला। समीक भट्ट उनका कोई विकेट नहीं मिले लास्ट जो मैच में इन्होंने, उनको बॉलिंग मिले वहाँ पर विकेट्स नहीं निकाला। बात करते हैं कौन कौन से प्लेयर आपके लिए लुक्सेमबर्ग की तरफ से मास्ट पिक रहना चाहिए। टिमोथी बर्कर है, गिरीश वेंकटेश्वरन है, जस्ट मेस है, विक्रम बीच, आतिफ कमल, अंकुश नंदा, हरपाल सिंह, आपके लिए ये 7 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको इनमें से 4, 5, 6, 7 जितने पिक्स चाहिए आप ले सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। अभी हम स्विट्जरलैंड के बारे में बात करेंगे। देखिए हसन अहमद यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, साथ में यहाँ पर विकेट कीपरिंग करेंगे। मोहम्मद इद्री के साथ ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर आ सकता है असद महमूद, राइट हैंड बैटिंग करेंगे। नंबर 4 पर देखिए नूरखान अहमदी, ये भी दाएं हाथ के बल्लेबाज है, साथ में थोड़ा बहुत मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं। अर्जुन विनोद नंबर 5 पर आएंगे, राइट हैंड बैट्समैन, साथ में राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। ओसामा महमूद नंबर 6 पर आएंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग डालते हैं। नंबर 7 पर जय सिंह, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग कर लेते हैं। अनिश कुमार आएंगे नंबर 8 पर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। आर्यन एंड्रूस राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। अश्विन विनोद राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है। अली नायर यहाँ पर राइट हैंड फास्ट बॉलिंग करते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम स्टैट्स देखेंगे। देखिए हसन अहमद यहाँ पर 15, 7, 50 और 10 रन बनाया। इद्रिस ने लास्ट जो 3 मैच खेले वहाँ पर 42, 2, 35 रन बनाए थे।
असद महमूद 1-33, 18-43 रन, मतलब अच्छे खासे फॉर्म पर है ये सारे बैट्समैन, टॉप 3 बैट्समैन। नूरखाना अहमदी यहाँ पर थोड़ा सा बैटिंग पर फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, 10-1-0 पर आउट हुए लास्ट 3 मैचों में, लेकिन 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाला, 1-0 विकेट। अर्जुन विनर की बात करते हैं, 29-12, 43-4 सातवें पर लास्ट 4 मैचों में 1-1-0-0 विकेट निकाला। ओसामा महमूद की बात करते हैं, 22-22, 58-21 रन बनाए थे, 1-3-0-0-0 विकेट निकाला। जयसिंह की बात करें, 0-0-52, 52-0 विकेट 0 रन किए। अनिश कुमार की बात करते हैं, देखिए लास्ट 3 मैच खेले, 2 विकेट 0 विकेट और 3 विकेट निकाला। अद्रियन एंड्रीस 0-16-39 रन बनाए थे और 5 मैच में 0-3-1-2 और 1 विकेट निकाला। अश्विनी विनोद 15-8-19 रन बनाए थे, 7 मैच पर 2-3-2-2 विकेट निकाला। अली नायर 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट निकाला। तो अभी देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर स्विट्जरलैंड की तरफ से आपके स्मॉल लीग टीम पर मस्ट पिक रहना चाहिए और अच्छा होगा आपके लिए। देखिए हसन अहमद है, इद्रिस है, असद महमूद है, उसामा महमूद है, जयसिन, अनिश कुमार और अद्रियन एंड्रूज, ये 7 प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। इनमें से आपको 4, 5, 6, 7 जितने पिक्स चाहिए आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स हो सकते हैं आपके लिए। स्मॉल लीग के कैप्टनशिप और वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में बात करें, देख लीजिए अर्जुन विनोद, अमित हलवावी, उसामा महमूद, ये 3 प्लेयर्स आपके लिए मस्ट बी स्मॉल लीग का कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस रहने वाला है, डिफॉल्ट चॉइस रहने वाला है। ग्रैंड लीग पिक्स एक बार देख लीजिए, अद्रियन एंड्रूज, अश्विन विनोद, विक्रम विज, जस्ट मिस, ये 4 प्लेयर में से आपको ग्रैंड लीग पर पिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी ग्रैंड लीग पर कॉम्पिटिशन बहुत ही बढ़ गया है, तो इसलिए आपके पास जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहेंगे आपको जीतने के चांसेस उतना ही बढ़ेंगे। तो आप कोशिश करना कि अलग अलग वेरिएशंस लेके टीम बनाना और अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके टीम बनाना, तभी आपकी विनिंग चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए स्मॉल लीग का सेफ टीम लेके अगर आप ग्रैंड लीग पर ज्वाइन होने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपकी टीम वेस्ट जाने वाला है, आपको विनिंग भी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए स्मॉल लीग पर सेफ प्लेयर्स होते हैं, साथ ही साथ ग्रैंड लीग पर जो डिफरेंस पिक्स होते हैं, अगर वो पिक्स आपके पास रहे और वो थोड़ा बहुत अच्छे स्कोर कट जाए तो आपको बहुत ही अच्छे खासे पॉइंट्स मिल सकते हैं और अच्छे खासे विनिंग हो सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ दिमाग में रख के आपको ग्रैंड लीग का टीम बनाना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपके लिए स्टेट्स एनालिसिस की बात। अभी चलते हैं डीबीएल की तरफ, वहाँ पर हमने एक स्मॉल लीग का डेमो टीम बना के आपको दिखाएंगे, लेकिन फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद। देखिए अगर यहाँ पर लाइनअप नहीं आए तो आपको टीम नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि हमने अंधा प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, टॉस के बाद लाइनअप आने के बाद हम आपको टीम दे देंगे टेलीग्राम पर। तो गाइस देखिए यहाँ पर विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर सबसे जो सेफ ऑप्शन होगा वो है जस्ट मिस, अपने टीम के लिए कैप्टनसी भी करेंगे, साथ में यहाँ पर मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करने आएंगे, तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। बाकी यहाँ पर एच अहमद की बात करें, ग्रैंड लीग पर अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये मानेपाली नहीं खेलेंगे, अगर खेले तो आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छा होगा, और हम आपको बता भी देंगे ग्रैंड लीग पर की स्मॉल लीग पर कौन सी जगह पर इसको लेना चाहिए। बैटिंग ऑप्शन की बात करें, टी बारकर, मोहम्मद इद्रिस, ए हलवावी, साथ में यहाँ पर देखिए ए महमूद, ये 4 टॉप पिक्स हमारे स्मॉल लीग की टीम पर रहने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, विक्रम विज, अर्जुन विनोद, ओसामा महमूद, ये 3 प्लेयर्स रहने वाले हैं। साथ में यहाँ पर देखिए ए ढिंगड़ा, आयरन एंड्रूस और साथ में यहाँ पर हरपाल सिंह, ये 3 प्लेयर्स रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं ग्रैंड लीग की, ए विनोद, ए नायर, ए कमल खान, साथ में यहाँ पर ए कुमार और ए नंदा, ग्रैंड लीग पर अच्छे बॉलिंग पिक्स हो सकते हैं आपके लिए। और साथ में ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ देखिए, ए सिंह, जे सिंह और ए त्रिवेदी आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छा हो सकता है अगर खेले तो। अभी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में बात करेंगे, देखिए अर्जुन विनोद यहाँ पर सेफ कैप्टन, उसी के साथ ओसामा महमूद एक सेफ वाइस कैप्टन हो सकता है, यहाँ पर ए हलवावी भी आपके लिए एक अच्छे वाइस कैप्टन की चॉइस हो सकते हैं। सेफ करके यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा, हमारी टीम पर फिलहाल ओ महमूद वाइस कैप्टन की चॉइस पर रहेंगे, सेव करके आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, साथ में यहाँ पर ग्रैंड लीग का भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे। देखिए जस्ट मिस है विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर, ए महमूद, ए इद्रिस, टी बरकर और हे अलवावी 4 प्लेयर्स रहने वाले बैटिंग में, ए विनोद, ओ महमूद और भी विज 3 प्लेयर्स रहने वाले ऑलराउंडर सेक्शन में, ए एंड्रूस, ए धिंगड़ा और हरपाल सिंह रहने वाले बॉलिंग में। तो यहाँ पर हमारा जो सेफ कैप्टन है वो है ए विनोद और ओ महमूद, यहाँ पर सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है। साथ में देखिए ग्रैंड लीग की बात करें, जस्ट मिस, ए महमूद, ए हलवावी, भी विज, ए एंड्रूस, ये 5 प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया ग्रैंड लीग पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के पिक रहने वाले हैं। देखिए ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो देर किस बात की, अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम के लिए, विनिंग टीम के लिए। अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए, और अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो पर।